आम आदमी पार्टी वालों पंजाब विधानसभा के सुखपाल सिंह खहरा की थां नवे चुने गए विरोधी धिर के नेता श्री हरपाल सिंह चीमा के नाल अज असी विशेष गलबात दौरान तुहानू उन्हां दे रूबरू करावांगे। तुहाडा स्वागत है जी अजीत। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत। चीमा साहब, तुहानू आम आदमी पार्टी की हाईकमान वालों सुखपाल सिंह खहरा की थां विधायक दल के मुखी वजों अहम जिम्मेवारी दिती गई है, इस दे कारण जिहड़ी है विरोधी धिर के आगू भी बनोगे, संखेप विच अपने सियासी जीवन बारे जानकारी दिओ। देखो, सब तो पहला मैं 99 दे जिहड़ा मेरा विद्यार्थी जीवन सी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला च गुजरिया। 96 तो लैके 99 तक मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विखे विद्यार्थी जथेबंदी स्टूडेंट फैडरेशन ऑफ इंडिया का प्रधान रहा। उस तो बाद मैं आके एक जिला परिषद की आजाद तौर पर चोन लड़ी। उस तो बाद मैं वकालत का काम शुरू किया जिला कचहरियां संगरूर। वकालत के दौरान मैं दो पहली इलैक्शन लड़ी वाइस प्रधान की, उस तो बाद वह भी जीती, तो उस तो बाद मैं प्रधान बनया बार एसोसीएशन संगरूर का। उस तो बाद मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने तो बाद 2014 के मैनू जिला लीगल सैल का प्रधान लाया गया और उस तो बाद मैं आम आदमी पार्टी ने हलका दड़वा टिकट दी और हलका दड़वा के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने मेरे विश्वास प्रगट करके मैं इस मुकाम पर पहुँचा के मैं पंजाब की 15वीं विधानसभा का मैंबर बनया। चीमा साहब, तुहानू ये ओहदा देण दे लई पार्टी विच बगावत वाली स्थिति बन गई है, सुखपाल सिंह खहरा ते उन्हां दे जिहड़े साथी विधायक ने उह पार्ट इस फैसले नूं पार्टी हाईकमान दा फैसला तानाशाही फैसला करार दे रहे ने, पार्टी नूं अजिही तब्दीली क्यों करनी पई? देखो, पार्टी ने अजिही तब्दीली इस करके की क्योंकि पार्टी के बहुत सारे विधायक ये मानते सीगे कि पार्टी की मजबूती लिए एक दलित आगू नूं अगे लैके आना चाहिए और बहुत सारे विधायकों ने पार्टी की अपील की और पार्टी के प्रधान जी साडे अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की और लिखती तौर पर दिता गा भी पंजाब की लीडरशिप तब्दीली की जाए। उस तहत एक प्रक्रिया हुई पूरी, उस प्रक्रिया तहत मैंने एल ओ पी लाया गया, यानी कि विरोधी दल नेता बनाया गया। चीमा साहब, अगे पंजाब दे विच पंचायती जिला परिषद चोणां ते लोकसभा दीआं चोणां आ रही ने, तुसीं इन्हां चोणां नूं किस ढंग दे नाल निपरे चढ़ाओगे ते पार्टी दे विच जिहड़ी इस टाइम जो स्थिति बन गई है उस दी एकता नूं किस तरह बाहर रख सकोगे? देखो, मैं पहला भी पंजाब के वख-वख पिंडां च गया और बड़े लोग जिहड़े हैगे ने आम आदमी पार्टी नूं प्यार करन वाले वलंटियर ते लोक जिहड़े पंजाबी ने पंजाब नूं प्यार करन वाले बहुत ज़्यादा तैयारी च ने और लगातार ये कह रहे हैं, बहुत सारे नाम उभर के सामने आ रहे हैं जिहड़े जिला परिषद मैंबर बनना चाहुंदे ने, पंचायत समिति के मैंबर बनना चाहुंदे ने, सरपंच बनना चाहुंदे ने। आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती दे नाल चोणां लड़ेगी और तुहाडे सामने देखोगे भी एक मेन धिर बन के पंजाब विच उभर के सामने आऊगी। चीमा साहब, कि तुहानू नहीं लगता कि पार्टी जे दिल्ली हाईकमान वालों जो फैसले लए जा रहे हैं उहदे नाल पंजाब दे अंदर पार्टी दो फाड़ हो रही है? पहला सुच्चा सिंह छोटेपुर होरां नूं पार्टी दे विच्चों बाहर कर देना, फिर गुरप्रीत घुग्गी होरां नूं, ते अजेही कई जिहड़े लीडर ने वो दिल्ली हाईकमान वालों दिल्ली दे भी लीडर ने जिहड़े सेंटर दे उन्हां नूं भी बाहर कर दिता गया, तुसीं इस बारे की कहना चाहते? देखो, आम आदमी पार्टी लोगों की पार्टी आ, आम लोगों की पार्टी आ, हर काम हर फैसला लोगों की सलाह लैके लोगों द्वारा पुछ के जिहड़ी लीडरशिप उन्हों पुछ के किया जाता, चाहे सुच्चा सिंह छोटेपुर जी की गल कर लो, चाहे तुसीं उस तो बाद गुरप्रीत घुग्गी जी की गल कर लो। उस मीटिंग दे विच मैं भी मौजूद सीगा जिस मीटिंग विच गुरप्रीत सिंह घुग्गी ने आप रिजाइन दिता सी, ना कि उन्होंने कढ़िया गया सी, अज भी सत्कारत मैंबर ने आम आदमी पार्टी के। असीं उन्होंने कहना भी आओ, आपां किस काम लई इकट्ठे हुए सीगे, आपां सारे इस काम लई इकट्ठे हुए सीगे, पंजाब विचों नशे खत्म करने ने, पंजाब विचों बेरोज़गारी खत्म करनी आ, पंजाब विचों किसानी की हालत सुधारनी आ, पंजाब दलित भरावां की हालत सुधारनी है। फिर हुण किहड़े बखरेवें की गल करदे आं, पर इहदा मतलब असीं पंजाब लई लड़ नहीं आए, इहदा मतलब असीं पंजाब लई लड़ नहीं आए, असीं निदली लड़न आएंगे। मैं उन्हां नेतावां नूं बेनती करूँगा, आओ एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठे होकर पंजाब नूं बचाउण की गल करिए। की तुहानूं लगदा पंजाब अंदर जथेबंदक ढांचे दे विच तब्दीली करना या किसी चोणां दीआं टिकटां नूं लै के पंजाब दे आगूआं दी राय नहीं ली जाणी चाहीदी? देखो, पंजाब दे आगू दी राय ली जा रही है, मैं तुहानूं बार बार कह रहा, सारे आगू दी राय ली गई सी, कितें ना कितें यह हुंदा वी जेकर मेरी कुर्सी खुस गई तां मैनूं दुख लगेगा, पर मैं आम आदमी पार्टी दा सच्चा सिपाही हाँ। मैं खहरा साहब नूं बेनती करदा, अजिहियां गल्लां ना करो, आओ आपां लोकां नूं लड़ना, आपां निजरी लड़ना, खहरा साहब जी आपां लोकां दी लड़ाई लड़नी है, ना कि अपनी निजी लड़ाई है, अपनी निजी लड़ाई कोई नहीं, तुसीं मेरे वड्डे भरा, आओ आपां आ के लड़ीए। जेकर आपां एल ओ पी की कुर्सी दे बैठ के तां ही पंजाब दे नारे मारे जा सकदे नेगे, एल ओ पी की कुर्सी तो बिना पंजाब दे नारे मारे जा सकदे ने, पंजाब की गल की जा सकती है, पंजाबीयत की गल की जा सकती है। चीमा साहब, आगामी वरे दौरान देश दे अंदर लोकसभा चोणां जो आ रही ने, कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस या किसी होर पार्टी नाल गठजोड़ करके दिल्ली हरियाणा या पंजाब दे अंदर इन्हां चोणां नूं लड़न दा कोई मूड बना रही होगी? देखो, यह महज इक अफवाह गी, ये अफवाह ही रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इकल्ले चोणां लड़नी चाहुंदी है और कोई इहदे विच दूसरी पार्टी दा कोई समझौता नहीं होगा, चाहे कांग्रेस आ चाहे कोई होर पार्टी, कोई समझौता नहीं होगा, आम आदमी पार्टी इकल्ले चोण लड़ेगी। चीमा साहब, पंजाब दे अंदर लोगों विच फिर तो एक सुरता बनाउण दे लई जो पार्टी दे आगू ने उन्हां दे विच एक सुरता बनाउण दे लई की कदम चुकोगे, तो खास करके जिहड़े बागी आगू इस टाइम बागी होए हुए आ उन्हां आगूआं नूं नाल जोड़न दे लई तुसीं की करोगे?
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇਗੇ। ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਖਰੇਵਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਸੁਖਪਾਲ ਸਖਹਿਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤਮਾਮ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੇਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਦੋ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਜੂਗੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਦੇ ਲਈ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਧਵਾ ਦੇ ਨਾਲ।